शाम की तो पहले एक दो बातें कहते हैं, आज हमारे पास बहुत सारे नए बच्चे भी आए हैं, बड़ी खुशी की बात है, उसके बारे में बात करूंगा। पहले मैं बताता हूँ, हाँ पुलकित, बिल्कुल खुशी की बात तो यही। और सबसे पहली बात तो ये है कि मैंने मार्केटिंग का टेस्ट भेज दिया, मन तो कर रहा था कि सबके मार्क्स ग्रुप में भेज दूं, लेकिन फिर सोचा चलो ज्यादा हो जाएगा बेइज्जती वेस्ट। सर सर आपने केस स्टडी का असाइनमेंट नहीं डिस्कस किया था उससे? एक सेकेंड, चार नए बच्चे आए हैं, रुव्याज है, एकता है, तमन्ना है और एक और बच्चा है हमारे पास, वंश। तो बच्चों पहले तो मैं आपको बता दूं कि यार जब हमारे ना जैसे जैसे बैच बढ़ रहा है, जैसे जैसे और बच्चे आते हैं, तो जब भी कोई नया बच्चा आता है हम उसको चॉकलेट्स वगैरह देते हैं, ठीक है, कोई कुछ नहीं बोलेगा तो हाँ ठीक है। लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं, अभी हमारी प्रॉब्लम है कि हमें ऑफलाइन मिल रहे हैं, सॉरी ऑनलाइन मिल रहे हैं, हमारे हाथ में कुछ मतलब कुछ है नहीं। तो जब हम मिलेंगे, ऑफलाइन भी क्लासेस शुरू हो जाएगी, तो जब हम ऑफलाइन मिलेंगे तो आपके चॉकलेट के बॉक्सेस आप तक पहुंच जाएंगे बिल्कुल। लेकिन अभी मैं आपको कुछ और दे देता हूँ, और अभी मैं आपको क्या दे रहा हूँ, अभी मैं आपको दे रहा हूँ एक प्रॉमिस। और वो प्रॉमिस क्या है कि आप मेरी क्लासेस अटेंड करिए, बिल्कुल रेगुलरली मेरी क्लासेस अटेंड करिए और मेरे नोट्स पढ़िए, मैं आपको 5 बुकलेट का सेट दूंगा, बस वो कर लीजिए। और अगर आपके 95 से कम आ जाए, वैसे तो उससे ज्यादा ही आएंगे, अगर 95 से कम आ जाए तो फीस रिफंड ले जाना, पूरी की पूरी फीस रिफंड ले जाना पूरे साल पढ़ने के बाद, ये प्रॉमिस है आपको। तो मैंने क्या कहा, आपको सिर्फ मुझसे मेरी क्लासेस को ध्यान से सुनना है, समझना है, और अपना रेगुलरली जो हमारा होमवर्क होता है जो कभी भी 3 पेज से ज्यादा का नहीं होता, उसको करके मेरे को भेजना है। और इतना अगर आपने कर लिया तो 95+ मार्क्स आएंगे, अगर 95 से कम आ जाए तो फीस रिफंड विदाउट क्वेश्चंस आस्क्ड, इससे बड़ी बात मैं बोल नहीं सकता, ठीक है बच्चों। तो दिव्यांशी जी आप लेट आई हो, अभी आपकी तारीफों के पुल बन रहे थे, आपने और वेदिका ने बहुत ही माइंड ब्लोइंग रॉकिंग पेपर किया है, लेकिन आज हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे, उसको एक दो दिनों बाद आराम से डिस्कस करेंगे। पहले तो मैं बता दूं आज क्लास में नए 4 बच्चे आए हैं, ठीक है, तो ऐसे ही मैंने देखा, मेरी मार्केटिंग करते रहो आप लोग, बस मुझे और आप लोग से कुछ पूछो। ओके बच्चों, तो शुरू करते हैं। बच्चों हमारा जो ये बैच है, इस बैच को चलते हुए हो गए ऑलमोस्ट 1.5 मंथ, ठीक है, और इसमें हमने अपने 2 चैप्टर अभी तक किए हैं। पहला चैप्टर का नाम है मार्केटिंग, चैप्टर नंबर 11 ऑफ द सेकंड बुक, बाल भारती स्कूल में, और शायद जानवी आप हेरिटेज में हो, है ना? हाँ जी सर। हाँ, हेरिटेज में ये शुरू हुआ था, इसलिए हमने मार्केटिंग किया। उसके बाद हमने किया अपना चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट बुक का। तो अब आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 जो है हमारा, ये हमारे को दिलवाता है 6 नंबर, सिर्फ 6 नंबर का ये चैप्टर है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये सबसे बड़ा चैप्टर है आपकी दोनों बुक्स का, इनफैक्ट ये मार्केटिंग से भी बड़ा है। मार्केटिंग चैप्टर 10 नंबर का चैप्टर है और 7 क्लासेस में खत्म हो जाता है, ये चैप्टर 10 क्लासेस में खत्म होएगा। आई रिपीट, 9 to 10 क्लासेस इसमें लगेगी। अभी कल ही ये दूसरे बैच में खत्म हुआ है, 10th क्लास थी। लेकिन सर ऐसा इतना स्लो क्यों करवा रहे हो, तो कुछ तो बात होगी ना, इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि मेरा आपसे प्रॉमिस है कि आज मैं आपको सिर्फ 1 पेज याद कराऊंगा, सिर्फ 1 पेज। लेकिन अगर वो 1 पेज आप भूल गए, जाने से जाते जाते अगर आप भूल गए, तो फीस के बिना पढ़ाऊंगा पूरे साथ। तो अब सोच रहा है कनव, सोच रहा है यार ये तरीका मैं भी अपना लेता हूँ ना, मैं भी ऐसे बिना याद करे बोल दिया करूंगा फीस भी देनी पड़ेगी, तो ऐसा नहीं है, मैं देख के बता सकता हूँ किसको याद हुआ किसको नहीं। अगर आपको याद नहीं हुआ जाने से पहले, तो बिना फीस के पढ़ाऊंगा पूरे साल, ये मेरा प्रॉमिस है आपको। तो सिर्फ आज हम 3 चीजें करेंगे, 1 पेज आपके नोट्स का, 1 पेज। बच्चों पहली जो बुक है वो ये है, तो बेटा हंसने की जरूरत नहीं है, बोलिए ज्यादा मत हंस, ठीक है, चुप रहे। तो पहली जो बुक है हमारी ये है, कुछ बच्चों ने के पास ये बुक पहुंच गई होगी, जिसके पास नहीं पहुंची बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप बस एक बार आना शुरू करो। ये बुक या तो आप इंस्टीट्यूट से कलेक्ट कर लेना, और जैसे तमन्ना आप दूर रहते हो वहां पे मैं आपके पास ये बुक भिजवा दूँ। चलिए अब हम ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, अपनी बहुत हो गई, बहुत अपनी प्रमोशन हो गई, अब हम अपना शुरू करते हैं चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। बिल्कुल मैं ये नहीं मान रहा कि आप लोगों को कुछ भी आता है, मैं बिल्कुल मान के चल रहा हूँ कि आप 0 हो, बिल्कुल आपको कुछ नहीं आता, आपने स्कूल की क्लासेस बिल्कुल आपने ऐसे ही देखी है जैसे आप अभी जानवी मेरी क्लासेस देख रही है, यहाँ पे उसने म्यूट कर रखा है और साइड में उसने चला रखी है वेब सीरीज आश्रम, है ना, बिल्कुल ये ऐसे ही देख रही है मेरी क्लासेस। तो मैं बिल्कुल मान के चल रहा हूँ कि आपने स्कूल की भी क्लासेस ऐसे ही देखी है और बेचारी को कुछ नहीं आपको आता, तो बिल्कुल ब्लैंक हम शुरू करेंगे। बेटा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो वर्ड है, और मैं सच बता दूं, देखो कोई झूठ नहीं बोल रहा, पुराने बच्चे यहाँ बैठे हुए, भगवान झूठ ना बुलवाए, बट फनी मजे से पता भी नहीं चलेगा 1.25 घंटा कब निकल गया। चॉकलेट्स भी सब बच्चों के घर चॉकलेट्स जा चुकी है, पुराने बच्चों के पास आपकी पे बस पहुंच जाएगी। बच्चों नहीं आई सर, अरे गिरीश तू खा नहीं आई हमारे पास, खा जाएगा, मैंने हैंपर्स भेजे थे सबके घर पे, बीच में गिरीश पहले खा गया, सर का स्टेटस नहीं देखा तुमने, सबको भेजी थी, सबको भेजी है ना, सबको सर, वो दूसरे वाले बैच में, हमारे बैच में तो आई नहीं,
तो चलिए कोई नहीं, अगर आपके पास गिरीश देखो और चाहिए तो ऐसे ही मांग ले, तो क्यों ऐसे सर एक है ओके 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 सर हम लोग वाले हम पर भी रहता है। बड़े बढ़िया तरीके से शुरू करूंगा बेटा। प्रिंसिपल्स जो वर्ड है ये हमने मतलब और कहां होते हैं प्रिंसिपल्स, हमने अपनी जिंदगी में, हमारी जिंदगी में तो कोई प्रिंसिपल्स होते नहीं, हम तो कोई प्रिंसिपल बनाते नहीं है ना, लेकिन हाँ प्रिंसिपल्स वर्ड एक जगह होता है और ये हमने पढ़ा था 8, 6, 7, 8, 9 क्लास में जब हम साइंस में थे, साइंस के स्टूडेंट थे। तो प्रिंसिपल्स का क्या मतलब होता है साइंस में, जो प्रिंसिपल्स होते हैं जैसे न्यूटन का लॉ हो गया या जो भी लॉ इनर्शिया हो गया या जो भी लॉ होते हैं उसमें क्या होता है रीजनिंग होती है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जैसे साइंस के जो प्रिंसिपल्स है उनके पीछे वो बताते हैं कि कोई भी चीज अगर हो रही है दुनिया में जिंदगी में वो क्यों हो रही है, मतलब उधर साइंस में प्रिंसिपल साइंस में ये आत्मा चुड़ैल देवता देवी ऐसा कुछ नहीं होता, हर चीज की एक रीजनिंग होती है, कॉज एंड इफेक्ट होता है। साइंस के प्रिंसिपल्स हमें बताते हैं कोई भी चीज हो रही है तो क्यों हो रही है, जैसे कि अगर चलती भी बस से उतर रहे हो तो आप थोड़े से टाइम के लिए 2-4 सेकंड के लिए आप मोमेंटम में रहते हो, अगेन साइंस लॉ ऑफ इनर्शिया। अगर किसी ने आपको थप्पड़ मारा तो मन करता है एक उल्टी हाथ का लपेट मारो उसके मुंह पे, दैट इज एक्शन रिएक्शन, ठीक है। अगर मम्मी सामने से फ्लाइंग चप्पल भेजती है तो मन तो करता है कि मैं भी यहाँ से 2-4 भेज दूं, लेकिन फिर वहां पर थोड़ी इज्जत की बात आ जाती है तो हम चुप हो जाते हैं। और अगर राहुल से कभी किसी की बेइज्जती करते हैं, जैसे मान लो किसी की भी हो गई, तो मन तो करता है इसको मैं अनम्यूट करके 2-4 ये वो वाली गालियां दे दूं मिर्जापुर वाली, लेकिन फिर लगता है कि चलो यार थोड़ा हमसे बड़ा आदमी बैठा है सामने तो चुप हो जाते हैं। तो कहने का क्या मतलब है कि ये जो है ये हमने साइंस में पढ़ा, वैसे ही मैनेजमेंट की भी कुछ प्रिंसिपल्स है। और मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स क्या कहते हैं, मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो हमें ये बताते हैं मैनेजर्स को कि उनको एक ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से डिसीशंस लेने चाहिए और किस तरीके से उनको एक ऑर्गेनाइजेशन में बिहेव करना चाहिए। तो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो बताते हैं हमें ऑर्गेनाइजेशन में कि मैनेजर्स को किस तरीके से डिसीशंस लेने चाहिए और उनको किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में बिहेव करना चाहिए, ठीक है। अब अनलाइक जो हमारे साइंस है, साइंस के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा क्या होते हैं, बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा एक रिजिड होते हैं, वो हर जगह एक जैसे लगते हैं। अनलाइक दैट जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स है वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग सिचुएशंस पे अलग अलग सॉरी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स इतने रिजिड नहीं होते और उनको मॉडिफाई करना पड़ता है एज पर द सिचुएशन। तो सिचुएशन के हिसाब से हमें मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को मॉडिफाई करना पड़ता है। तो अगर हम मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स की डेफिनेशन बनाने की कोशिश करें तो यहां देखिएगा मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स क्या हुए, यहां देखिएगा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस फॉर managerial decision making and behavior. They are broad and general guidelines for managerial decision making and behavior. So what are principles of management? They are broad and general guidelines for managerial decision making and behavior. So जल्दी से याद करेंगे एक बार definition को कि ये general बिल्कुल general guidelines होती है, ये बताती है management को कि हम उनको किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में बिहेव करना चाहिए और किस तरीके से उनको ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजंस लेने चाहिए। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस फॉर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर। जल्दी से एक बार बोलेंगे 2-3 बार जल्दी से याद करिए इसको, इस डेफिनेशन को। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस फॉर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर। जल्दी से याद करेंगे बच्चों, एक हाँ जी बच्चों जल्दी से याद करेंगे डेफिनेशन, सर एक बार स्क्रीन शेयर कर दो। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ बिल्कुल, जल्दी से जल्दी से याद करें।
ओके याद होगी, ठीक है सबको याद होगी डेफिनेशन। तो एक बार जल्दी से मेरे साथ सब बच्चे अनम्यूट करेंगे, सब बच्चे बोलेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आ, जल्दी से बोलेंगे ब्रॉड एंड जनरल मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर, ठीक है फिर से बोलेंगे एक बार प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस फॉर मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर। युवराज याद हो गई, ठीक है युवराज याद हो गई डेफिनेशन जल्दी से। और एक बार हाँ जी वरुण आप भी अच्छा जल्दी से फिर से याद करिए, फिर से एक बार बोलेंगे मैं दिव्यांश जल्दी से रिपीट करो। Principles of management are broad and managerial and general guidelines for managerial decision making and behavior. And behavior, ठीक है? हाँ चलिए एक बार जल्दी से definition लिख दीजिए मुझे, सिर्फ एक बार जल्दी से definition लिख दीजिए। हो गया बच्चों लिख ली सबने? ओके अब देखिए सब बच्चे यहाँ पे देखो बच्चों, ये जो चैप्टर है इस चैप्टर को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है हम इस चैप्टर को तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जो हमारा फर्स्ट पार्ट होता है इसमें हमारा होता है इंट्रोडक्शन, जिसमें हम बात करेंगे टीचर्स क्या होते हैं, प्रिंसिपल्स के बारे में, प्रिंसिपल्स के और उनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। बट प्रॉब्लम क्या है कि जब हम इसको करते हैं ना इंट्रोडक्शन में, जब हम फीचर्स पढ़ते हैं तो उसमें ना हर जगह एग्जांपल प्रिंसिपल्स के ले रखे हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि अभी तक तो हमने प्रिंसिपल्स पढ़े ही नहीं है। अब जब हमने अभी तक प्रिंसिपल्स पढ़े ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि वो प्रिंसिपल है क्या, तो हम उसके फीचर या इंपॉर्टेंस को किस तरीके से अप्रिशिएट कर पाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ये जो टॉपिक है इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है जो फीचर्स एंड इंपॉर्टेंस का, उसको मैं पहले कराऊंगा, हम इसको स्किप कर देंगे अभी। अब आते हैं सेकेंड टॉपिक पे। सेकेंड टॉपिक क्या है, दो बहुत बड़े इंजीनियर साइंस मतलब मैनेजमेंट के गुरुज थे, एक का नाम था F.W. टेलर और एक का नाम था हेनरी फ्योर्ड। क्या मतलब, एक का नाम टेलर एक का नाम फ्योर्ड। इन दोनों ने अपने अपने प्रिंसिपल्स दिए थे, अपने अपने टेक्निक्स दी थी। तो हम अब क्या करने जा रहे हैं, अब हम इनके एक टॉपिक हो गया F.W. टेलर, हम F.W. टेलर के बारे में पढ़ेंगे और थर्ड टॉपिक हो गया हेनरी फ्योर्ड। तो हम आज क्या शुरू करने जा रहे हैं, आज हम शुरू करेंगे F.W. टेलर के बारे में। समझ में आ गई बात। F.W. टेलर एक मैकेनिकल इंजीनियर था, ठीक है वो एक मैकेनिकल इंजीनियर थे और उन्होंने उनको मैनेजमेंट का गुरु माना जाता है, ठीक है अभी कुछ मत लिखो सिर्फ यहाँ ध्यान दीजिए। उन्होंने एक थ्योरी दी थी जिसका नाम था थ्योरी ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। आई रिपीट, उन्होंने एक थ्योरी दी थी जिसका नाम था थ्योरी ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। क्योंकि वो थ्योरी उन्होंने दी थी इसलिए उनको अक्सर फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहा जाता है, उनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहा। उन्होंने 5 प्रिंसिपल्स और 7 टेक्निक्स दी थी मैनेजमेंट में अच्छे से काम करने को, मतलब मैनेजमेंट को दी थी कि जिससे वो अच्छे से बिहेव कर सके, अच्छे से काम कर सके। तो उन्होंने 5 प्रिंसिपल्स और 7 टेक्निक्स दी। देखिए हमारा ये सौभाग्य है कि हमारे हमारे कोर्स में से एक प्रिंसिपल कट है। देखो कितना बड़ा CBSE ने डिलीट कर दिया, सबसे छोटा प्रिंसिपल कट कर दिया, ये आपके कोर्स से डिलीट कर दिया। भैया 2-4 टेक्निक्स ही हटा देते, नहीं एक छोटा सा। अब हम क्या करेंगे, आज हमारा क्या काम है, आज हम सिर्फ साइंटिफिक मैनेजमेंट की डेफिनेशन याद करेंगे और उनके 5 प्रिंसिपल में से, मतलब एक तो है ही, 4 प्रिंसिपल में से आज हम 2 प्रिंसिपल याद करने की कोशिश करेंगे और मैं आपको यहीं से रटवा के भेजूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले अभी आपके नोट्स होने चाहिए बिल्कुल बंद, साइंटिफिक मैनेजमेंट की तीन डेफिनेशन आपको याद करूंगा। यहां देखिए साइंटिफिक मैनेजमेंट जो ये वर्ड है इसकी मैं आपको 3 डेफिनेशंस याद कराने की कोशिश करूँ। सबसे पहली डेफिनेशन, अगर मैं आपको बोलूं कि आप, हाँ जी पुलकित कुछ कह रहे हैं आप, कौन कौन से 3 पार्ट, एक नेचर होगा और हाँ एक तो हो गया इंट्रोडक्शन, ठीक है ना, एक तो हो गया इंट्रोडक्शन, सेकंड पार्ट में F.W. टेलर हो गया जो हम आज शुरू करें और जब ये 2-3 क्लास बाद खत्म हो जाएगा फिर हेनरी फ्योर्ड, ये 3 पार्ट।
ठीक है, मैंने इस चैप्टर को तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया, हेनरी क्यूल एक पार्ट, टेलर दूसरा और इंट्रोडक्शन तीसरा। तो इंट्रोडक्शन हम आज नहीं करें, हम आज टेलर से शुरू करें सेकंड पार्ट, ठीक है। अब देखो बच्चों, हाँ बोल सर, एक बार प्लीज रिपीट कर दो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की डेफिनेशन, लास्ट पार्ट नहीं याद आ रहा। मैनेजमेंट की डेफिनेशन ये लो, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस, बिल्कुल ब्रॉड, बिल्कुल जनरल गाइडलाइंस है फॉर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर। क्या मतलब हुआ, ये बस मैनेजर्स को ये बता देती है कि अगर आप किस प्रॉब्लम में हो तो आप ये प्रिंसिपल लगा के देख लो, कोई श्योर शॉट सॉल्यूशन नहीं देती। जैसे साइंस में क्या है, अगर आपको ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो साइंस का ये लॉ लगा लो, ये प्रिंसिपल लगा लो, आपको आंसर मिल जाएगा। बट मैनेजमेंट में ऐसा नहीं है, लेकिन कोई ये बता सकता है कि मैनेजमेंट में ऐसा क्यों नहीं है, मैनेजमेंट श्योर शॉट सॉल्यूशंस क्यों नहीं देती, कोई बता सकता है आप में से किसी? सिचुएशन के हिसाब से चेंज होती है। वेरी गुड, बोल कितने 50% करेक्ट आंसर दिया है, क्योंकि सिचुएशन टू सिचुएशन चेंज होती है बिजनेस की प्रॉब्लम्स। और एक और बताइए, एक और रीजन दीजिए, एक और रीजन दीजिए, पुलकित का आंसर 50% करेक्ट है। और कोई सोच के बताइए, एक बार गाओ, क्या हम अभी क्लास में 12-13 बच्चे बैठे हैं, क्या सबका थॉट प्रोसेस एक जैसा है, क्या सबकी सोच, सबका एस्पिरेशन एक जैसी है? अगर मैंने एक जोक क्रैक किया गिरीश पे और उसको बड़ी हंसी आई, क्या पता पुलकित को वही जोक ऑफेंडिंग लग जाए, क्या पता वो नाराज हो जाए, क्या पता वो क्लास छोड़ जाए? तो क्योंकि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट किसके साथ डील कर रहे हैं, ह्यूमन बिहेवियर के साथ, ह्यूमन बीइंग्स के साथ, इसलिए उनको उनका हम ये नहीं कह सकते कि वो बहुत एक्यूरेट है, वो दे हैव टू बी, दे हैव, दे आर वेरी ब्रॉड एंड जनरल, क्योंकि वो हमारे साथ डील करे, आपके मेरे साथ डील करे, और हम लोग क्या है, हम लोग स्टैटिक नहीं है, हम लोग अलग अलग है, ठीक है। चलिए अब हम क्या करने जा रहे हैं, जैसे मैंने कहा साइंटिफिक मैनेजमेंट की हम तीन डेफिनेशन करेंगे। सबसे पहली डेफिनेशन की बात करते हैं, मैं सजा देखो मतलब बिल्कुल ही दिमाग लगाना ही नहीं है, मान लो है ही नहीं, ऊपर वाला माला बिल्कुल खाली है, टॉप फ्लोर बिल्कुल खाली है। अगर मैं आपसे बोलूं कि मान लो आपके पास दिमाग ही नहीं है, ऐसे बस मानना है, ऐसा नहीं है मानना, ऐसे जब आपके पास दिमाग नहीं है तो मुझे बताओ एक लाइन में आपके हिसाब से साइंटिफिक मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या होगी। अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको ये मान के चलना है कि आपके पास बिल्कुल दिमाग नहीं है, तो मेरे को बताइए आपके हिसाब से साइंटिफिक मैनेजमेंट की क्या डेफिनेशन, सोच के बताइए। थ्योरी अबाउट साइंस, या मैं कुछ और बताओ, कोई और सोच सर, साइंस लगाना मैनेजमेंट। एग्जैक्टली, गिरीश ने बिल्कुल सही जवाब दे दिया, साइंस लगाना मैनेजमेंट में। तो क्या बोल सकते हैं हम, इट मींस एप्लीकेशन ऑफ, जब हम एप्लीकेशन ऑफ साइंस टू मैनेजमेंट, मतलब क्या हुआ, जब हम मैनेजमेंट में भी साइंस घुसा दे, वो क्या बन गई हमारी साइंटिफिक। समझ में आ गया, है ही नहीं मुश्किल, एक लाइन की डेफिनेशन है, जल्दी से याद करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ साइंस टू मैनेजमेंट, फिर से बोलेंगे, एप्लीकेशन ऑफ साइंस टू मैनेजमेंट इज साइंटिफिक, एप्लीकेशन ऑफ साइंस टू मैनेजमेंट इज साइंटिफिक मैनेजमेंट। बताइए इजी है, कोई दिक्कत तो नहीं? ओके, अब हम करते हैं अपनी सेकंड डेफिनेशन जो बड़ी है और सबसे अच्छी है। देखिए साइंस में क्या होता है, हर चीज के करने का स्टैंडर्ड होता है। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट का क्या मतलब हुआ, इट मींस कंडक्टिंग, यहां देखिएगा, इट मींस कंडक्टिंग बिजनेस एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू, इट मींस कंडक्टिंग बिजनेस एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू तीन चीजें, और वो तीन चीजें क्या क्या हो गई, अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्डाइज्ड टूल्स, जो काम करने के जो टूल्स है वो बिल्कुल स्टैंडर्ड के होने चाहिए, स्टैंडर्डाइज्ड टूल्स, काम करने के जो मेथड है वो भी बिल्कुल स्टैंडर्ड के होने चाहिए, स्टैंडर्डाइज्ड मेथड्स, एंड जो लोग है वो भी पढ़े लिखे होने चाहिए, एंड ट्रेंड पर्सोनल, ट्रेंड पर्सोनल। तीन चीजें, स्टैंडर्ड के टूल्स, स्टैंडर्ड के मेथड्स एंड ट्रेंड पर्सोनल, इन ऑर्डर टू, इससे क्या होएगा, इन ऑर्डर टू क्या फायदा होएगा, अगर ऐसा हुआ तो हमारी क्वांटिटी बढ़ेगी, इंक्रीज द क्वांटिटी। ये डेफिनेशन आपको पैराग्राफ फॉर्म में लिखनी है, ये तो सिर्फ मैं आपको ऐसे याद कराने के लिए ऐसे लिख रहा हूं पॉइंट फॉर्म में। और आपकी क्वांटिटी बढ़ेगी, क्वालिटी आपकी इंप्रूव होगी, इंप्रूव द क्वालिटी और आपकी क्या कम हो जाएगी, एंड रिड्यूस द कॉस्ट एंड वेस्ट, रिड्यूस द कॉस्ट एंड वेस्ट। बताइए ये बात समझ में आ गई, तो एक बार फिर से इस डेफिनेशन को याद करते हैं, व्हाट इज साइंटिफिक मैनेजमेंट, इट मींस कंडक्टिंग बिजनेस, बिजनेस को इस तरीके से कंडक्ट करना है कि सारे स्टैंडर्ड के टूल्स हो, स्टैंडर्ड के मेथड्स हो, और काम करने के जो लोग है वो ट्रेंड हो, ट्रेंड लोग हो। इससे क्या होगा कि हमारी क्वांटिटी जो है वो बढ़ेगी, हमारी क्वांटिटी बढ़ेगी,
हमारी क्वालिटी इंप्रूव होगी और हमारी कॉस्ट और वेस्टेजेस बिल्कुल रिड्यूस होगी। चलिए एक बार जल्दी से याद करते हैं क्या मतलब हुआ। इट मींस कंडक्टिंग बिजनेस एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्डाइज्ड टूल्स, स्टैंडर्डाइज्ड मेथड्स एंड ट्रेन्ड पर्सनल इन ऑर्डर टू इंक्रीज द क्वांटिटी, इंप्रूव द क्वालिटी एंड रिड्यूस द कॉस्ट एंड द वेस्टेजेस। जल्दी से एक बार याद करें। किसी से भी पूछ सकता हूं, इसलिए जल्दी से याद करिए। सर ये ट्रेंड पर्सोनल है। हाँ पर्सोनल, पर्सोनल मतलब लोग, लोगों को पर्सोनल कहते हैं। जल्दी से याद करिए, हो गए सबको याद? हो गई? यार वेरी गुड पुलकित, जल्दी से दिव्यांशी, जल्दी से जानवी, यार गिरीश मैं इतना बढ़िया तैयार होके आता हूँ तू मेरे को देखता भी नहीं है, मैंने एक नए स्पेक्स बनवाए, तूने मेरे को अप्रिशिएट बोला भी नहीं, एक बार कॉम्प्लीमेंट भी नहीं किया यार। सर अच्छे लग रहे सर, अच्छे लग रहे सर, थैंक यू। हो गई भाई डेफिनेशन याद हो गई? चलिए अब ऐसा करते हैं एक बार सब बच्चे, अरे एक मिनट सर पीछे, अच्छा एक बार बोल, तू बोल कहाँ अटका है मेरे को बता। Third point, improve the quality. It means conducting business activities according to standardized tools, standardized methods, and trained personnel in order to increase the quantity, improve the quality, and reduce the cost and the wastage. चलिए अब ऐसा करते हैं बच्चों, सब बच्चे अनम्यूट करो, ऐसी आवाज आनी चाहिए कि मेरे साथ वाले पड़ोसी आगे भी क्या हो जाए, हो रहा है यहाँ पर। चलिए शुरू करते हैं ऑन द काउंट ऑफ थ्री, बड़ी वाली डेफिनेशन बोलेंगे। साइंटिफिक मैनेजमेंट मींस बोले सब बोलेंगे, और जो नहीं बोलेगा एक मिनट रुक जाओ, आज है सोमवार, शिव जी का दिन होता है और मैं हूँ शिव जी का बहुत बड़ा भक्त, ठीक है, भगवान ना करे गलत मुंह से बुलवाओ तुम, तो इसलिए अच्छे से याद बोलिए सबको डेफिनेशन, जो अटकेगा उसकी मदद मैं करूंगा। चलिए शुरू हो जाए, साइंटिफिक मैनेजमेंट मींस बोलेंगे कंडक्टिंग तेरह बच्चे बैठे, ठीक है, तेरह बच्चों में से वैसे बोल के पांच बच्चों का बैच था, देख ले तेरह बच्चे बैठे हैं और तेरह, हाँ बिल्कुल युवराज तो तेरह अभी तो दो, अरे क्या बात है यार, तेरह बच्चों का बैच था और उसमें ना अभी चार बच्चों ने वीडियो ऑफ कर रखा है, ठीक है, और उन चार बच्चों की ही आवाज नहीं आ रही क्योंकि वो जो आती है ना वो लाइट आती है वो नहीं आ रही, तो सब बच्चे एक बार फिर से बोलेंगे, सब बच्चे फिर से बोलेंगे साइंटिफिक मैनेजमेंट मींस, शुरू हो जाओ अच्छा अब अपना बता दो, दिल पे हाथ रख के, देखो यहाँ दिल होता है, दिल पे हाथ रख के अपना बता दो कि किसको याद नहीं, ठीक है, हाँ बताइए जल्दी से बताइए। कनक बहुत बढ़िया गेम खेल गया, कनक ने क्या किया, कनक पता क्या कर रहा है, बिल्कुल चुप है, बीच में ऐसे कर देते हैं तो मतलब यहाँ पे इसके वो आ जाते हैं कि हाँ ये कुछ बोल रहा है, कनक याद होगी डेफिनेशन? यस सर। चलिए बढ़िया, सबको याद है, देखो मैं 10 मिनट बाद पूछूंगा, जिसको याद नहीं होगी फिर देख लेना क्या होगा उसके साथ। तो एक बार फिर से मैं बोल रहा हूँ, आपसे सुनेंगे, साइंटिफिक मैनेजमेंट मींस कंडक्टिंग बिजनेस एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्डाइज्ड टूल्स, स्टैंडर्डाइज्ड मेथड्स एंड ट्रेंड पर्सनल इन ऑर्डर टू इंक्रीज द क्वांटिटी, इंप्रूव द क्वालिटी एंड रिड्यूस द कॉस्ट एंड द। सर इसमें एप्लीकेशन ऑफ साइंस टू मैनेजमेंट नहीं बोलेंगे स्टार्टिंग में? हां मैं बताता हूं, अगर आप वो ऐड करना चाहो तो कर दीजिए, अदरवाइज ये अपने आप में कंप्लीट डेफिनेशन है जो अभी याद की है, अगर आप वो याद ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं भी करोगे तब भी चलेगा, ठीक है ओके। अब आइए ये दोनों डेफिनेशन तो हमने बनाई है, अब तीसरी डेफिनेशन जो हम लिखने जा रहे हैं यहाँ पे, ये डेफिनेशन टेलर ने दी है क्योंकि ये फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है ना, तो अकॉर्डिंग टू एफ डब्ल्यू टेलर, टेलर की डेफिनेशन अगर याद हो जाए तो बहुत ही बढ़िया है, और मैं आपको बताऊं इसकी डेफिनेशन बहुत ही इजी है, एक लाइन की डेफिनेशन है, इतनी इजी है। टेलर कहता है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब है कि कुछ भी चीज हिट एंड ट्रायल से नहीं होगी, हर चीज आपको पता होनी चाहिए कि क्या होनी चाहिए। देखो आज मैं आपके सामने बोल रहा हूँ और मैं देखो मैं फ्लॉलेसली बोल रहा हूँ, बिल्कुल कहीं मेरे को अटक नहीं रहा, कुछ नहीं कर रहा,
क्यों ऐसा हो पा रहा है? क्योंकि मैं तैयारी करके आया हूँ, आज मैं शीशे के आगे खड़े आपको क्या आया हूँ, और मैं देख के आया हूँ मुझे क्या बोलना है, नए बच्चे आए हैं ना, तो मैंने पूरी तैयारी की है कि आज मुझे क्या बोलना है, और मेरे को पता है एक एक शब्द। तो वैसे ही टेलर ने कहा, पहले अपने वर्कर को काम देने से पहले आप खुद सोच लो कि आप क्या काम करवाना चाहते हो। ऐसा नहीं है कि हिडन ट्रायल, तू ये कर दे तू वो कर दे, नहीं, पहले माइंड में फ्रेम करो कि आप अपने वर्कर से चाहते क्या हो, और फिर आप देखो कि आपके वर्कर्स उस काम को वैसे कर रहे हैं जैसे आपने सोचा है। तो देखिए कितनी इजी डेफिनेशन है, बहुत ही इजी डेफिनेशन है। नोइंग एग्जैक्ट, साइंटिफिक मैनेजमेंट मींस नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट, knowing exactly what you want your men to do. आप पहले ये देख लीजिए आप अपने वर्कर से क्या चाहते हो, and seeing that they do it in the best and cheapest way. देखो कितनी simple definition है। जो नए बच्चे आए हैं मैं उनको बताता हूँ आज एक बार। देखो बच्चों ये डेफिनेशन ना हमारे को टेलर ने दी थी, मार्केटिंग में हम एक बार इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं, तो हम इस डेफिनेशन को कोट करके आए थे। और जैसे इस डेफिनेशन में मान लो आपने इन दोनों को इंटरचेंज भी कर दिया, पहले मेथड्स लिख दिया टूल्स लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये डेफिनेशन हमने बनाई है। लेकिन इस डेफिनेशन में जो ये डेफिनेशन है आप कोई भी वर्ड सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते, क्योंकि ये डेफिनेशन टेलर ने दी है और हमें टेलर की डेफिनेशन एज इट इज याद करनी पड़ेगी। बट मुझे लगता है ये उससे भी ज्यादा इजी है। सुनना अभी यहां देखो, मन में पहले आप ये देख लो कि मैं अपने वर्कर से चाहता क्या हूं। नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट योर मेन टू डू, पहले आप ये देख लो कि आप अपने लोगों से क्या काम करवाना चाहते हो, और उसके बाद ये चेक करो कि आपके जो लोग हैं उस काम को सबसे अच्छे और सस्ते तरीके से करें। हिंदी में याद करो, इंग्लिश में लिख दो। अकॉर्डिंग टू FW टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट मींस नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट योर मेन टू डू एंड सीइंग दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड द चीपेस्ट वे, वो ही डेफिनेशन याद। ठीक है, अब फिर से मैं आपको ना ये वाली शीट खोलो, दोनों डेफिनेशन आप याद करेंगे। ठीक है, ये वाली याद जल्दी से याद करिए, मैं दूसरी वाली शीट भी दिखाता हूँ। तीनों डेफिनेशन याद करने के बाद आगे बढ़े। सर एक क्वेश्चन है। हाँ बोलिए ना, बोलो। हमने शुरू में बोला था कि मैनेजमेंट में हम एग्जैक्टली हमें पता नहीं होता कि हर सिचुएशन और हर एक बंदे के माइंडसेट के हिसाब से मैनेजमेंट डिफरेंट होता है, तो हमें ये थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं क्या? नहीं, हम सर, आप बहुत अच्छी बात आपने उठाई। आपने आप ये कह रहे हो कि सर अभी आपने चैप्टर स्टार्टिंग में ये बोला कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जनरल होते हैं, ये कह रहे हो ना? बिल्कुल गाइड, बिल्कुल ब्रॉड है, एग्जैक्टली तो वहां कुछ हो ही नहीं सकता क्योंकि 14 बच्चे क्लास में, 13 सबके सब अलग है। तो सर आप अभी यहाँ कह रहे हो कि ये एग्जैक्टली, बेटा बिल्कुल आप समझो, ये पॉइंट कह रहा है कि पहले आप ये पता लग, मतलब आपको माइंड में ये पता होना चाहिए, जैसे मान लो आप मेरे से काम करते हो तो मुझे ये पता होना चाहिए कि मैं अभिनव से क्या काम करवाना चाहता हूँ। नोइंग एग्जैक्टली कि मैं अभिनव से क्या करवाना चाहता हूँ, यहाँ पे एग्जैक्टली का मतलब ये है। अब उससे रिजल्ट क्या आएगा, दैट इज ऑलवेज अननोन। मैं आपको एक ऑर्डर देता हूँ, आप उसको किस तरीके से इंटरप्रेट करते हो, क्या उस पर आप रिजल्ट देते हो, दैट विल ऑलवेज बी अनसर्टेन। ये बात हो रही है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की। और एग्जैक्टली वर्ड यहाँ पे जो टेलर ने बोला, उसने सिर्फ ये बोला कि जब आप अपने अभी जब हम आगे पढ़ेंगे ना, आज और नेक्स्ट दो तीन क्लास में आप समझोगे, टेलर बहुत पर्टिकुलर था। टेलर ने बोला कि वर्कर्स के मन में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, उनको ये पता होना चाहिए कि आप क्या काम उनसे करवाना चाहते हो। तो पहले आपको पता हो कि आप क्या चाहते हो अपने वर्कर्स से, तो यहाँ एग्जैक्टली का वो मतलब है। ठीक है, यहाँ पे एग्जैक्टली का वो मतलब अब नहीं है जो आप उसको उसके साथ कनेक्ट कर रहे हो, ब्रो के साथ। ठीक है, ओके, जल्दी से डेफिनेशन याद करिए, मैं एक बार फिर से शीट ओपन कर रहा हूँ, जल्दी से 2 मिनट आपके। हो गई, सबको याद है? चल अब ऐसा करते हैं, दो तीन बार दोनों डेफिनेशन बोलेंगे, तीनों बोलेंगे, फिर अपना आज का आगे टॉपिक लेके जाएंगे। सबसे पहले थी सबसे बेकार डेफिनेशन, एप्लीकेशन ऑफ साइंस टू मैनेजमेंट है ही नहीं कुछ, एक लाइन की डेफिनेशन है, मैं तो इसको डेफिनेशन भी नहीं मानता, बेकार। अब आते हैं सेकंड में, बड़ी वाली, सब बच्चे अनम्यूट करो, सब बच्चे अनम्यूट रखेंगे अपने आपको। तो व्हाट इज दिस, साइंटिफिक मैनेजमेंट मींस सो कंडक्टिंग, बोलेंगे मेरे साथ, कंडक्टिंग बिजनेस एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू, पहली चीज स्टैंडर्डाइज्ड मेथड्स, स्टैंडर्डाइज्ड टूल्स, वेरी गुड, वेरी गुड। अब आ जाओ टेलर की डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू एफ
मैनेजमेंट डिटेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट मींस इनवर्टेड कॉलम्स बताइए शुड नो दैट नोइंग एग्जैक्टली व्हाट द नोइंग एग्जैक्टली व्हाट एंड सी द बेस्ट कैंडिडेट एंड इन द बेस्ट एंड द चीपेस्ट वे कॉमन मार्केट डेफिनेशन की सब होती है अब देखो बच्चों टेलर ने पांच प्रिंसिपल दिए मैं एक बार नाम बता रहा हूँ यहाँ देखिएगा सुनिएगा सबसे पहला तो जो हम आज करेंगे साइंस नॉट रूल ऑफ थंब एक दूसरा उसने दिया हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड दो तीसरा कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म तीन चौथा डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज ग्रेटेस्ट प्रोस्पेरिटी एंड एफिशिएंसी चार एंड पांचवा मैक्सिमम नॉट रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट ये जो पांचवा प्रिंसिपल है मैक्सिमम नॉट रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट ये हमारे कोर्स में नहीं ठीक है बट इसका ये मतलब नहीं है कि ये टेलर का ही प्रिंसिपल नहीं था तो अगर आपके सामने एमसीक्यू क्वेश्चन आता है जैसे आपके 20 मार्क्स एमसीक्यूज के होते हैं तो अगर आपके सामने एमसीक्यूज क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ टेलर पहला ऑप्शन साइंस नॉट डेवलप फ्रॉम दूसरा ऑप्शन हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड तीसरा ऑप्शन मैक्सिमम नॉट रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट और चौथा ऑप्शन है एक फ्योल का प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क एक फ्योल का प्रिंसिपल है तो आपका आंसर क्या होना चाहिए आप मेरे को बताएंगे मैंने आपको ऑप्शन बताता हूँ वैसे क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ टेलर ऑप्शन है साइंस नॉट डेवलप्ड मैक्सिमम नॉट रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड और एक फ्यूल का प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क तो आपका आंसर क्या होना चाहिए मैक्सिमम नॉट रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट या फिर डिवीजन ऑफ वर्क करेक्ट आपका आंसर क्या होना चाहिए डिवीजन ऑफ वर्क होना चाहिए या कि मैक्सिमम नॉट रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट होना चाहिए सोच के बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ टेलर बताइए सर डिवीजन ऑफ डिवीजन वर्क होना चाहिए क्योंकि मैक्सिमम नॉट रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट प्रिंसिपल का टेलर का प्रिंसिपल है वो सिर्फ हमारे कोर्स में नहीं है कोई चीज हमारे कोर्स में नहीं है दैट डजंट मीन कि वो प्रिंसिपल ही नहीं समझ में आ गई बात ठीक है तो अब हम अपना पहला प्रिंसिपल शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब यहां सुनिएगा बच्चों सात लाइनों का प्रिंसिपल है मैं ये सात लाइन आपको रटवाऊंगा अभी और आपसे लिखवाऊंगा चाहे आज एक ही प्रिंसिपल कोई गिला नहीं है चाहे आज एक ही प्रिंसिपल हो देखिए यहां से रटवा के भेजो देखिए इसको तोड़ते हैं साइंस नॉट रूल ऑफ थंब साइंस का क्या मतलब हुआ जैसे हमने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले बोला साइंस में हर चीज का एक लॉजिक हो साइंस में हर चीज का एक रीजनिंग हो साइंस में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसके पीछे ऐसे इफ एंड बट या कोई भी कॉज मतलब कुछ भी ऐसा चल रहा हो साइंस के पीछे कॉज एंड इफेक्ट रूल ऑफ थंब का क्या मतलब होता है रूल ऑफ थंब के बहुत से मतलब होते हैं एट नाइन्थ में हमने पढ़ा था कि करंट रूल ऑफ थंब होता है करंट फ्लोज इन रिवर्स डायरेक्शन एक और रूल ऑफ थंब का मतलब होता है जिसका मतलब होता है किसी चीज को इसलिए माना जाता है क्योंकि वो बहुत टाइम से चलती आई है विदाउट एनी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ बच्चों मैं तो करता हूँ मुझे आप लोगों का नहीं पता आप में से कितने लोग आज भी मान लो पुलकित बंदी से मिलने जा रहे और घर से निकलते ही बड़ा स्टड बिल्कुल नई टी शर्ट पहन के बाल वाल जेल लगा के निकला है बिल्कुल और नई घड़ी पहन के निकले और जैसे ही घर से निकला काली बिल्ली रास्ता काट गई पुलकित सच बताइयो कि तू आगे जाएगा कि नहीं जाएगा सोच के देख कि आज तो तू मतलब अपनी बंदी के साथ जाके क्वालिटी टाइम स्पेंड करने वाला है आज बात हुई है कि यार पुलकित वी विल टेक अ रिलेशनशिप टू द नेक्स्ट लेवल तो बता मुझे कि आज तू आगे निकलेगा कि नहीं निकलेगा मेरा सवाल तुझसे सच बताइयो सच सर उसके लिए बंदी होनी चाहिए अब चल मान लेते हैं चल एज्यूम कर लेते हैं तेरी बंदी है बड़ी अच्छी बंदी है अब बता निकलेगा कि नहीं निकलेगा निकल जाऊंगा मैं जल्दी नहीं निकलेगा नहीं जल्दी होगा जाऊंगा मैं तो बात करूंगा हाँ सही तो तू थोड़ी देर रुकेगा देखो बच्चों होता क्या है हमें पता है कि हमें कहावत की कि बिल्ली रास्ता काट जाए तो अपशगुन होता है कुछ होता है और अब अगर हो सकता है आप सब कहो नहीं सर नहीं हम नहीं मानेंगे देखिए एक शर्त लगा लो मैं वो छींक वाली भी बात होती है ना अगर आप बोर्ड्स का पेपर देने जा रहे हो मान लो मैथ्स का और जाते जाते घर से निकलते छींक आ गई तो आप दो मिनट रुकोगे और पानी पी के जाओगे चाहे कुछ हो जाए देखिए कभी रीजनल जानने की कोशिश की है कि सर बिल्ली रास्ता काट जाए तो अपशगुन होता क्यों है टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू ये सच्ची में अपशगुन लेकिन मैं भी आपको बताऊं चाहे मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं नहीं मानता लेकिन अगर मैं कहीं गाड़ी मतलब मैं गाड़ी लेके जा रहा हूँ कुछ काम से जा रहा हूँ इंपॉर्टेंट काम से और अगर बिल्ली रास्ता काट जाए तो मैं रुक जाऊंगा या पहले किसी को निकलने दे चाहे हम कितने ही मॉडर्न क्यों ना बन जाए लेकिन आज भी हम इन बिलीफ्स को मानते हैं पता है क्यों क्योंकि हमें रीजन नहीं पता आप जाके अपने मम्मी पापा से पूछो आज भी वो रीजन नहीं दे पाएगा आप अपने मम्मी से पूछो पापा से पूछो पापा ऐसा क्यों होता है बोले कि दादाजी से जाके पूछो दादाजी से जाके बोलो वो कहे कि पर दादा से पूछो आपको बोले पर दादा से जाके पूछो अब वो तो है ही नहीं वो तो जा चुके ऊपर तो अब वो आपको आंसर नहीं मिलेगा
लेकिन रीजनिंग किसी ने जानने की कोशिश ही नहीं की। मैं आपको बता बच्चों क्यों, लेकिन हम आज भी मान रहे क्यों, क्योंकि चलता आ रहा है, ऐसे ही हो रहा है। मैं आपको रीजन देता हूँ एक कहावत का कि बिल्ली जब रास्ता काट रही है, तो ये कहावत थी गांव में क्या था, बिल्ली पागल थोड़ी ना कि ऐसी रास्ता काट रही है। बिल्ली जब भागती थी तो उसके पीछे एक रीजन था कि उसके पीछे कोई जानवर पड़ा हुआ है जो उसको अटैक करने जा रहा है। अब ये कहा जाता था कि आप रुक जाओ, अगर आप भागोगे तो वो आपके ऊपर अटैक ना करेगा, ये था। अब ना तो आज की डेट में हम जंगलों में रह रहे हैं, ना गांवों में रह रहे हैं, ना बिल्ली भाग रही है और ना ही जानवर पड़ा हुआ है। तो आज की डेट में ये कहावत बिल्कुल ही जैसे कहते हैं ना वेस्ट है, बट हम आज भी मानते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा ही चलता आ रहा है। ऐसे ही अगर मैं बोलूं कि मान लीजिए गिरीश एक कंपनी को ज्वाइन करता है एज अ परचेज मैनेजर, और जैसे ही जाके वो ज्वाइन करता है, वो चेक कर वो रियलाइज करता है कि उसकी कंपनी पिछले 10 सालों से एक वेंडर से, एक दुकान से सामान खरीदती है जो महंगा भी दे रहा है और घटिया क्वालिटी का भी दे रहा है। मतलब उससे अच्छे सब्स्टिट्यूट्स हैं मार्केट में जो सामान सस्ता भी दे रहे हैं और अच्छी क्वालिटी का भी दे रहे हैं। तो गिरीश को ये बात अच्छी नहीं लगी और गिरीश ने जाके अपने सीनियर मैनेजर को बोला कि सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम इस कंपनी से सामान क्यों खरीद रहे हैं जबकि ये महंगा भी दे रही है और क्वालिटी भी अप टू द मार्क नहीं है। तो इसके बॉस ने इसको जवाब दिया, गिरीश ऐसा है आप नए नए आए हो, ज्यादा मत बनो, ज्यादा मत उड़ो, पिछले 10 सालों से इसी से लेते आए, इसी से ले गए। तो मेरा सवाल आपसे, क्या ये सही है, क्या ऐसा ही होना चाहिए? पहले तो मुझे तो ये ही टेलर ने कहा, टेलर ने कहा कि अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में कहीं भी थंब रूल लग रहा है, थंब रूल मतलब किसी भी चीज को इसलिए माना जाता है क्योंकि वो चलती आ रही है विदाउट लॉजिक, तो वो गलत है, उसको बदलो और वहां पे साइंटिफिक मैनेजमेंट लेके आओ। अब गिरीश बोलेगा कि सर मैंने रिसर्च की है और मेरे हिसाब से हमें इस वेंडर से सामान लेना चाहिए, इस वेंडर का सामान सस्ता भी है और अच्छा भी है। तो ये साइंस है, साइंटिफिक डिसीजन है रादर देन थंब। समझ में आई बात? तो अब ये बेसिक समझ में आ गया आपको, बेस समझ में आ गया। अब इसके पीछे 7 लाइनें हैं, मैं आपको एक एक करके पहले हिंदी में बताऊंगा फिर इंग्लिश। सबसे पहले टेलर ने बोला किसी भी काम को करने के बहुत तरीके होते हैं। क्या? किसी भी काम को करने के बहुत तरीके होते हैं, देखिए उसमें से एक ही तरीका दी बेस्ट। जैसे बच्चों मैं आपको बोलता हूँ, आप बहुत जगह बीएसटी की क्लासेस लगा सकते थे लेकिन आपने यू चूज टू लर्न फ्रॉम द बेस्ट। चलो छोड़ो, ऐसा चलती रहती है बातें। तो पहले तो बात, फिर सेकंड उन्होंने बोला कि ये तरीका निकालोगे कैसे आप, ये बेस्ट तरीका कैसे निकलेगा, स्टडी करके आसपास देखो और एनालाइज करो, अपने आसपास चीजों को स्टडी करो और एनालाइज करो। फिर उन्होंने बोला कि अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में कहीं पे भी थंब रूल लग रहा है, थंब रूल मतलब बस ऐसे ही, उसको सब्स्टिट्यूट करेगा ये साइंटिफिक मेथड। कहीं पे भी थंब रूल लग रहा है तो उसको सब्स्टिट्यूट करेगा ये साइंटिफिक मेथड। फिर उन्होंने डिटेल दी ये साइंटिफिक मेथड कैसे निकलेगा, यहाँ देखिएगा डिटेल देखना, साइंटिफिक मेथड कैसे निकलेगा। साइंटिफिक मैनेजमेंट इन्वॉल्व, सबसे पहले देखो अभी तक क्या होता आया है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ द ट्रेडिशनल मेथड्स, अभी तक क्या होता आया है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ ट्रेडिशनल मेथड्स। ट्रेडिशनल मतलब क्या होते हैं, पुराने, इन्वेस्टिगेशन ऑफ ट्रेडिशनल मेथड्स, अभी तक क्या होता आया है। सेकंड, फिर सबके अपने आसपास देखा, सबको देखा, अपनी इंडस्ट्री में कॉम्पिटिटर्स को देखा, सबको देखा, सबके बेस्ट बेस्ट चीजें ले लो, सबकी बेस्ट बेस्ट चीजें ले लो, यूनिफाइंग द बेस्ट प्रैक्टिसेस, सबकी बेस्ट बेस्ट चीजें उठा लो, यूनिफाइंग द बेस्ट प्रैक्टिसेस। और फिर क्या करो, सबको मिला के, सबकी बेस्ट को मिला के अपना बेस्ट निकाल लो, एंड डेवलपमेंट ऑफ योर ओन बेस्ट मेथड। मतलब इसने भी नकल मारने को ही बोला है जिसमें हम अव्वल है, हमें कोई दिक्कत नहीं है नकल मारने में, एंड डेवलपमेंट ऑफ योर ओन बेस्ट। समझ में आया? तो 3 चीजें बोली उसने, सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले देखो कि अभी तक आप क्या करते आए हो, इन्वेस्टिगेशन ऑफ ट्रेडिशनल मेथड, फिर आसपास देखो क्या होता है और सबके बेस्ट चीजें उठा लो और फिर अपना नया बेस्ट तरीका बना। समझ में आ गई बात? ठीक है, आगे चलते हैं। फिर उन्होंने बोला जितना ज्यादा अच्छा मेथड आप बनाओगे, जितना सोफिस्टिकेटेड मेथड आप निकालोगे, उतनी ही ज्यादा सेविंग्स होगी। जितना सोफिस्टिकेटेड, जितना अच्छा मेथड आप बनाओगे, उतनी ही ज्यादा सेविंग्स होगी। फिर उसने बोला ह्यूमन एनर्जी भी बचेगी, मटीरियल भी बचेगा, ह्यूमन एनर्जी भी बचेगी, मटीरियल भी। बस 6 पॉइंट हो गए। और फिर उसने लास्ट में एक चीज ऐड की है, वो हमने ऐड की है आज के हिसाब से, कि आज के डेट में इंटरनेट हैज चेंज्ड द वे द बिजनेसेस आर ऑपरेटिंग। आज के डेट में
इंटरनेट की वजह से मेजर ड्रास्टिक चेंजेस आए हैं जिस तरीके से बिजनेसेस आज चल रहे हैं। समझ में आ गई बात? तो 7 लाइंस है इंक्लूसिव ऑफ द दिस एग्जांपल, मैं एक एक करके बोलता हूँ, आप सिर्फ सुने सुनना। पहली लाइन, देयर आर अकॉर्डिंग टू टेलर, देयर बेटा प्लीज वीडियोस ऑन करिए जिन बच्चों का कोई इश्यू ना हो वो, देयर आर वेरियस वेज ऑफ डूइंग एनी बिजनेस बट ओनली वन मेथड इज द बेस्ट। ठीक है, बहुत तरीके होते हैं बिजनेस करने का बट एक ही तरीका है जो बेस्ट है। आज हम सिर्फ एक ही प्रिंसिपल करेंगे। दिस मेथड कैन बी डेवलप्ड बाय स्टडी एंड एनालिसिस। इसको हम कैसे निकाल सकते हैं? स्टडी एंड एनालिसिस। दो, तीसरा, दिस मेथड सो डेवलप्ड विल सब्स्टिट्यूट द रूल ऑफ थंब थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। पूरी ऑर्गेनाइजेशन में जहां पे भी थंब रूल लग रहा है उसकी जगह ये वाला मेथड आ जाएगा, साइंटिफिक मेथड। ठीक है, फिर चौथा वो बड़ा पॉइंट, इट इन्वॉल्व्स इन्वेस्टिगेशन ऑफ ट्रेडिशनल मेथड्स, यूनिफाइंग द बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड डेवलपमेंट ऑफ योर ओन बेस्ट मेथड। इट इन्वॉल्व्स इन्वेस्टिगेशन ऑफ द ट्रेडिशनल मेथड्स, यूनिफाइंग द बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड डेवलपमेंट ऑफ योर ओन बेस्ट मेथड। ठीक है, फिर पांचवा पॉइंट, द मोर सोफिस्टिकेटेड द मेथड वुड इज द मोर वुड बी द सेविंग। जितना ज्यादा सोफिस्टिकेटेड मेथड होगा उतनी ही ज्यादा सेविंग्स होगी। छठा पॉइंट, इट विल हेल्प इन ट्रेमेंडस सेविंग ऑफ ह्यूमन एनर्जी एज वेल एज मटीरियल्स। बहुत पैसा बचेगा मटीरियल्स में और ह्यूमन एनर्जी में। खत्म। एंड लास्ट पॉइंट, इन फॉर एग्जाम्पल इन टूडेज टाइम इंटरनेट हैज ब्रॉट ड्रामेटिक चेंजेस एंड ड्रास्टिक चेंजेस इन द वे द कंपनीज आर डूइंग देयर बिजनेस। इन टूडेज टाइम द इंटरनेट हैज ब्रॉट ड्रास्टिक चेंजेस इन द वे द कंपनीज आर डूइंग देयर बिजनेस। बताइए, समझ में आ गया? क्लियर? एक बार मैं बोलता हूँ, फिर से आप सुनना, और क्योंकि मैं आपसे बुलवाऊंगा 2 मिनट बाद, सुनना। According to Taylor, there are various ways of doing any work, but only one method is the best. ठीक है? Second, this method can be developed by study and analysis. This method can be developed by study and analysis. तीसरा point, this method so developed will substitute the thumb rule throughout the organization. Fourth point, बड़े वाला, it involves investigation of the traditional methods, unifying the best practices and development of your own best method. Fifth point, the more sophisticated the method would be, the more would be the savings. Sixth point, it will help in tremendous saving of human energy as well as materials. And lastly, in today's time, internet has brought drastic changes in way the businesses are managing their work या कुछ भी, मतलब businesses are operating. बताइए, समझ में आ गया? ऐसा करते हैं, अब fill in the blanks के तरीके से मैं आपसे पूछूंगा। सब बच्चे अनम्यूट करिए, अभी कुछ नहीं लिखना, अभी सुनना सिर्फ। आप लोग अनम्यूट करिए, मैं आपसे बोलूंगा, एक पूरी लाइन बोलूंगा, फिर इन द ब्लैंक बोलूंगा, आपको आंसर देना होगा। अकॉर्डिंग टू टेलर देयर डैश वेज ऑफ डूइंग डैश बट ओनली डैश इज द डैश। जल्दी से बोलिए, बोलो, देयर आर वेरियस वेज ऑफ डूइंग एनी वर्क बट ओनली वन इज बेस्ट, वन इज द बेस्ट। दिस मेथड कैन बी डेवलप्ड बाय डैश एंड डैश डेवलपमेंट ऑफ योर ओन यूनिक वे, ओन यूनिक वे। वेरी गुड, वेरी गुड, आपने अपना यूनिक टच यहाँ पे लाया। ओके, नेक्स्ट, द मोस्ट डैश वुड बी द डैश, द मोर वुड बी द डैश। बताइए, द मोर जितने पॉइंट याद है लिख दो, कोई टेस्ट नहीं है, बस ऐसे ही एक बार देखते हैं कितना याद हुआ, जितने पॉइंट याद है लिखिंग ऑफ सोफिस्टिकेटेड। क्या बोल रहे हैं? सोफिस्टिकेटेड का मतलब क्या होता है? सोफिस्टिकेटेड का मतलब होता है एफिशिएंट, बढ़िया, सोफिस्टिकेटेड। जैसे कहते हैं ना, हाई क्लास सोफिस्टिकेटेड, वो कितना अच्छा इंप्रूव्ड है, कितना ज्यादा रिफाइंड है, कितना ज्यादा अच्छा। सोफिस्टिकेटेड का मतलब हुआ कितना ज्यादा बढ़िया मेथड है। हाँ जी, पुलकित,
स्टार्टिंग की लाइन बोल दो। हाँ, साइंटिफिक अकॉर्डिंग टू टेलर देयर आर वेरियस एस। ठीक है, जल्दी से लिखिए, 2 मिनट से जल्दी से लिखिए, आज बस यही करेंगे, इसके बाद जितना किया बस उसको एक बार रीड करेंगे, जल्दी देखते हैं कितने पॉइंट याद है, 7 पॉइंट है टोटल विद एग्जांपल, लेट्स सी कितने याद है, 4-5 तो याद हो गए आपको। कोई घबराना नहीं है, अच्छा कोई लीव नहीं करेगा क्लास अभी, एक दो इसके बाद डिस्कशन पॉइंट्स को चेक करें। According to Taylor, there are various ways of doing any work, but only one method is the best method. अगर आपने ऐसा कुछ भी लिखा है, एक नंबर दे दीजिए, अपने आप दिमाग लगा लीजिए, अगर आपको लगता है कि आधा मिलना चाहिए, आधा अधूरा लिखा है, तो आधा, otherwise एक। Next, this method can be developed by study and analysis. एक नंबर दे दीजिए। A sequence ऊपर नीचे हो सकती है, sequence की कोई ऐसी कोई problem नहीं है। This method so developed will substitute the rule of thumb throughout the organization. Fourth point, it involves investigation of the traditional methods, unifying the best practices and development of your own best method. अगर ये point ऐसा लिखा है, तीनों लिखे तो एक नंबर, एक भी कम है तो आधा नंबर, और एक भी नहीं लिखा तो जीरो। The more sophisticated the method is, the more would be the savings. This will help in tremendous saving of human energy as well as materials. And then example, जिसमें आपने internet के बारे में लिखना है अपनी language. आप मुझे बताइए कौन है जिसके 7 में से 7 आया, ऐसा कोई है? ऐसा कोई है? 7, 6 लास्ट रहेगा सर, अभिनव का एक रहेगा, 6 मेरे, 6 गिरीश, वेरी गुड अभिनव, वेरी गुड, और 5 मेरे भी 6 है, 5 आ गए, राघव के भी 6 है, 5 दिव्यांशी के 5, 4 वेदिका, वेदिका के भी 5, 4 तमन्ना, वेरी गुड, जानवी, वेरी गुड, और एकता, वेरी गुड यार, चलिए इसका मतलब मैंने 60% तो याद करा दिया, ठीक है ना, 60% तो आप लोगों को याद हो गया सबको। ऐसे बच्चों आज जल्दी से, आज वैसे मेरे को एक और प्रिंसिपल कराना था, बट आज हम एक और प्रिंसिपल नहीं करेंगे, पहले हम इतना रीड करते हैं, उसके बाद न्यू स्टूडेंट्स को भी एक चीज बोलनी है, फिर वो लीव कर सकते हैं, फिर पुराने स्टूडेंट से बात करेंगे। तो जल्दी से आइए, कम टू पेज नंबर 2.1, जिन बच्चों के पास नोट्स है वो नोट्स पे, और जिन बच्चों के पास अभी नोट्स नहीं है वो प्लीज प्रिंट आउट निकाल लीजिए उसका चैप्टर का, और कोशिश करिए कि इस वीक अपने नोट्स को कलेक्ट कर ले, चाहे तो इंस्टीट्यूट से, चाहे अगर नहीं आ सकते तो मुझे बता दीजिए, मैं आपके घर कोरियर करवा। सबसे पहले प्रिंसिपल्स की डेफिनेशन को मार्क करेंगे, पहले पेज पे 2.1 पे बॉक्स में लिखी हुई है, प्लीज कीप अ हाइलाइटर विद यू, प्लीज कीप अ हाइलाइटर विद यू, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस, आपने हाइलाइट किया ब्रॉड को, जनरल को, फॉर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर, आपने अंडरलाइन किया डिसीजन मेकिंग को और बिहेवियर। उसके बाद हम इस पेज पे से कुछ नहीं पढ़ेंगे, नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। हाँ जी बेटा, रिपीट कर दो, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की डेफिनेशन बॉक्स में डली हुई है, उसमें 4 वर्ड्स को हाईलाइट करना है, ब्रॉड, जनरल, डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर। सीधा आ जाइए पेज नंबर 2.4 पे, नीचे साइंटिफिक मैनेजमेंट की डेफिनेशन है, 3 डेफिनेशन है, अगर तो आपके पास 3 कलर के पेन है तो 3 कलर के पेन से मार्क कर लीजिए, अदरवाइज एक से ही। पहली डेफिनेशन है आपकी, इट मींस एप्लीकेशन ऑफ साइंस टू मैनेजमेंट। उसके बाद जो आपकी सेकंड डेफिनेशन है ना, उसको पैराग्राफ फॉर्म में है, इसी पेज पे कहीं पे ऐसे लिख लीजिए, इसी पेज पे कहीं पे इस डेफिनेशन को ऐसे लिख लीजिए जैसे हमने ये याद कराई थी आपको, जिससे आपको याद करने में आसानी रहेगी। जहां पे आप कहोगे सर रजिस्टर में तो लिखी हुई है, बेटा रजिस्टर तो आपका अगले साल तक घूम जाएगा, बुक है, नोट्स है जो कभी नहीं घूमेंगे, तो इसमें आप प्लीज इस डेफिनेशन को ऐसे लिख लीजिए जैसे मैंने लिखी है, तोड़ तोड़ के मार्जिन में कहीं पे भी लिख लीजिए, आपको हमेशा के लिए याद रहेगी। It means conducting business activities according to standardized methods and trained personnel in order to increase the quantity, improve the quality and reduce the cost and the wastage. Okay. Third definition, Taylor wali, isi page par likhi hai, it means knowing exactly what you want your men to do and seeing that they do it in the best and the cheapest way. ठीक है बच्चों? एक बार लिखने दो, लिखिए। हाँ हाँ, लिखो ना। अच्छा वो, हाँ ये। चल अब हम पहले प्रिंसिपल पे आते हैं, साइंस नॉट डेवलप्ड थंब,
आप देखोगे वहां पे एक फ्लोचार्ट बना हुआ है और मैंने वहां लिखा हुआ भी है पांचों प्रिंसिपल्स के नाम लिखे हैं और नीचे वाला जो हमारा मैक्सिमम नॉट रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट के आगे लेफ्ट में ये भी लिखा है कि इट इज नॉट इन योर सिलेबस, वो आपके सिलेबस में नहीं है बट दैट डजंट मीन कि वो प्रिंसिपल ही नहीं। देखिए साइंस नॉट डेवलपम की बात करते हैं, टेलर बिलीव दैट इज ओनली वन बेस्ट वे ऑफ टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी, अंडरलाइन करिए हाईलाइट करिए वन बेस्ट वे, हाईलाइट करिए मैक्सिमाइजिंग एफिशिएंसी। This method can be developed by study and analysis. Underline kariye study, underline kariye analysis. This method so developed will substitute the rule of thumb throughout the organization. Underline kariye rule of thumb. Fourth point ko main teen cheez underline karenge. It involves highlight karenge investigation of the traditional methods. Second, unifying the best practices, and third, development of your own best method. Fourth point, this can result in tremendous saving of human energy as well as wastage of material. Fifth point, the more sophisticated ka matlab likh lijiye, refined, efficient, improved, the method is, the more would be the savings. Refined, efficient, improved. And lastly, in the present context, the use of internet has brought dramatic improvements in the internal efficiencies and customer satisfaction. Kya matlab hua? कि आज की डेट में इंटरनेट की वजह से काम करने का तरीका, इंटरनल एफिशिएंसीज और कस्टमर सेटिस्फेक्शन बहुत बढ़ गई। आज इंटरनेट की वजह से ही कस्टमर इतना सेटिस्फाइड है क्योंकि उसको बहुत जल्दी वो मिल जाता है इतना सॉल्यूशन। बट आपको अगर याद नहीं होता तो आप इजी लिख लीजिए, इट हैज द यूज ऑफ इंटरनेट हैज ब्रॉट ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट इन वे द बिजनेसेस आर ऑपरेटिंग। अगर आपको याद नहीं होता तो आप सीधा ये भी लिख सकते हैं, ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट इन द वे द बिजनेसेस आर ऑपरेटिंग। ठीक है, अब देखिए बच्चों ये समझ में आ गई। सबसे पहले तो आज का होमवर्क क्या आपका, नए बच्चे आप भी सुनेंगे, 8:30 बजे है, 10 बजे से पहले भेजना है। ठीक है, देखो बच्चों हमारा ना मंथ ऑफ द एम्प्लॉई ऑफ द सॉरी एम्प्लॉई कर दो, 12 कर दो, 1 कर देते, 2 कर देते, सर कल ही भेज देंगे, ऐसा कुछ नहीं। हमारा हमारा रॉक स्टार ऑफ द मंथ का एक स्कीम चलती है जिसमें जो बच्चा सबसे अच्छा होमवर्क करके भेजता है उसको हम चॉकलेट देते हैं। पहले भी जा चुकी है बच्चों के घरों में, प्रेजेंटेशन के साथ वो उसका एक नंबर ऐड हो जाएगा और मंथ के एंड में हम देखेंगे कि सबसे ज्यादा नंबर किसके। अभी वेदिका इज द विनर, अभी वेदिका एंड दिव्यांशी सभी चल रहे बट वेदिका इज द विनर, वो आधे घंटे के अंदर होमवर्क भेज देती है। तो आज का आपका होमवर्क है, नोट डाउन करिए, आपको प्रिंसिपल्स की डेफिनेशन दो बार लिखनी है, लिख के जल्दी से आपको प्रिंसिपल्स की डेफिनेशन दो बार लिखनी है आपको। उसके बाद आपका होमवर्क है प्रिंसिपल्स की डेफिनेशन, साइंटिफिक मैनेजमेंट की दो डेफिनेशन, बड़ी वाली सेकंड वाली और टेलर वाली, सेकंड वाली और टेलर वाली डेफिनेशन दो बार लिखनी है और साइंस नॉट रूल ऑफ थंब एक बार लिखना है। बस हेडिंग नहीं लिख देना कि साइंस नॉट रूल ऑफ थंब लिख के भेज दो, पूरा का पूरा साइंस नॉट रूल ऑफ थंब आपको एक बार लिखना। ये आपको आज 11 बजे से पहले मेरे को PDF बना के भेजनी है। ठीक है जी, ओके। अब आ जाओ बच्चों, मैं एक दो चीजें पहले नए बच्चों को बताना चाहता हूँ। बच्चों ऐसा है, देखिए अगर आप लोगों के स्कूल में, वैसे तो मैंने अपने स्टेटस में भी ये बात लिखी थी बट मैं फिर बता दूं, हर बच्चे के स्कूल में हो सकता है कुछ अलग चल रहा। अच्छा मैं भूल गया, तमन्ना इज इन क्वींस मैरी, युवराज आप तो इसमें हो, पुलकित के साथ ही हो, और एक था आप हो KR मंगलम में, और एक और था ना कौन था वो, हाँ वंश आप किसमें हो, बाल भारती में। अरे तो हाँ ग्रीस दिल्ली से नए बच्चे लेके आने हैं, देखो और तो सुनिए, अब आपके स्कूल में अगर कोई भी चैप्टर चल रहा है जो अभी हमारे बैच में नहीं चल रहा, आपको बस मुझे इन्फॉर्म करना है, मैं आपको अलग से क्लासेस देके वो चैप्टर करवाऊंगा आपकी कन्वीनियंस पहले। दूसरी बात, अब जो नए बच्चे अगर आप आए हो, आप करते हो कंटिन्यू, तो आपका एक चैप्टर नेचर चैप्टर मैं आपको अलग से करवाऊंगा, आप चारों पांचों को जो भी नए बच्चे, मैं आप लोगों को अलग से करवाऊंगा, नेक्स्ट वीक से हम शुरू करें। ठीक है, और मैं मार्केटिंग करवाने जा रहा हूँ एक बार फिर से, जानवी को मेरे को करवाना है एक दो टॉपिक, लेकिन अगर आप वैसे कोई भी करना चाहता है तो वो भी आ सकता है, पुराने जिन्होंने मेरे साथ मार्केटिंग किया है वो अगर कोई भी टॉपिक करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हमारी जो क्लास है, एक मिनट, दो मिनट बात कर लेते हैं, हम टाइम डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। पहले हम बताए थे कि मतलब थर्सडे की टाइम तो हमारा 8 बजे है, तो थर्सडे को हम 8 बजे मिलते हैं। ठीक है, उसमें हम कैसे टाइम का चेंजिंग वगैरह हम देख लेंगे। 8 बजे तक का टाइम है और 8:05-10 तक हम क्लास शुरू करते हैं, तो प्लीज ट्राई टू ज्वाइन एज सून एज ऑल। ओके, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, नए बच्चों को भी पुरानों को भी। तो जो नए बच्चे हैं, जो 4 आज नए बच्चे आए वो लीव कर सकते हैं। आई होप कि आपको, वैसे मैं जल्दी नहीं पूछ रहा हूँ, आपको याद हो गया,
अच्छे से समझ आया, लग रहा है कुछ फायदा होएगा? देखो बच्चों बढ़िया तरीके से सब होएगा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ 95+ लेके आएंगे, नहीं आए तो सच्ची कह रहा हूँ, कोई झूठ नहीं, कोई मजाक नहीं, फीस वापस दे दूंगा, बढ़िया तरीके से करेगा, मजा आएगा, पता भी नहीं चलेगा, पूरी बीएससी याद होगी, बस ट्रस्ट करना है और मजे से पढ़ना, ठीक है? चलिए मिलते हैं फिर थर्सडे को 8 बजे, ओके? तो नए बच्चे निकल जाइए, फिर पुराने बच्चों से मेरे को बात करनी, युवराज आप लीव कर सकते हैं, वंश आप सर वो लास्ट में क्या लिखना था, एक तो साइंटिफिक मैनेजमेंट की 2 बार लिखनी थी और क्या लिखना था, साइंस नॉट इनफ फ्रॉम 1 बार पूरा प्रिंसिपल, आप पहले सर मार्केटिंग करवाओगे नेचर करवाओगे आप जैसे बोलोगे, मेरे ख्याल से नेचर पहले कराऊंगा ना, नेचर ज्यादा बच्चों के स्कूल पहले चैप्टर है ना नेचर, हां नेचर पहले वो देख लिया है, चलो ठीक है कोई नहीं, अब डिस्कस कर लेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, एक दो क्लासेस में आओ फिर डिस्कस कर लेंगे, दोनों ही करा दूंगा, किसी अगर आपको मार्केटिंग करना आपको मार्केटिंग करा दूंगा, जिसको नेचर करना नेचर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? हां जी, तो वरना आपको कुछ पूछना है? ओके बेटा ठीक, हां जी बच्चों अब एक मिनट को ऐसा